अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किए गए अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने का आदेश दे दिया है। साथ ही बिना वैध दस्तावेज के वहां रह रहे प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। गृह सुरक्षा विभाग में दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, एक देश बिना सीमाओं के देश नहीं हो सकता। आज एक शुरुआत कर अमेरिका अपनी सीमा पर नियंत्रण वापस हासिल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि हम हमारी दक्षिण सीमा पर संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य अमेरिका से बड़ी संख्या में गैर कानूनी प्रवासियों का आना मैक्सिको और अमेरिका दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे लगता है कि आज जो हम कदम उठाने जा रहे हैं वो दोनों देशों की सुरक्षा में सुधार करेंगे। ये मैक्सिको के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये दो कार्यकारी आदेश हजारों लोगों की जिंदगी, लाखों नौकरियां और अरबों डॉलर बचाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दो आदेश उन प्रवासी सुधार का हिस्सा हैं जिसका जिक्र हमने अभियान के दौरान किया था। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हम सीमा के दोनों ओर सुरक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए मैक्सिको में हमारे दोस्तों के साथ साझा तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मैक्सिको के लोगों के बड़े प्रशंसक हैं और वह मैक्सिको में अपने समकक्ष से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही ट्रंप वादों के मुताबिक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट के वादे पर सत्ता पर काबिज होने वाले ट्रंप का उनकी नीतियों को लेकर विरोध भी हो रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।